बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं सवैयाँ। पास्ता सवैयाँ मैं बनाऊंगी, ड्राई जो होती हैं पास्ता सवैयाँ वो बनाऊंगी मैं। बहुत ही मज़े की बनती हैं। पानी मैंने ले लिया, एक बर्तन लिया, इसमें मैंने पानी शामिल कर लिया। पानी थोड़ा सा गर्म होगा, फिर हम इसमें पास्ता सवैयाँ जो है ये वाली, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी और हम इसको अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे, गला लेंगे जब तक ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। फिर हम इसका पानी रिमूव कर देंगे और फिर हम इसका जो है ना शीरा सा तैयार करेंगे, फिर उसमें हम इसको शामिल करेंगे। तो बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत ही जल्दी बन जाने वाली, बहुत ही मज़े की, बहुत ही डिफरेंट सी। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पानी जो है तकरीबन गर्म हो चुका है, अब मैं सवैयाँ शामिल कर देती हूँ और इसको हम बॉयल कर लेते हैं जब तक ये अच्छी सी गल जाती हैं। इतनी देर तक हमने इसको पकाना है। सवैयाँ देखें उबल चुकी हैं अच्छे से और ये अच्छे से गल भी चुकी हैं। अब मैं इसका पानी जो है वो ड्रेन कर लेती हूँ। तकरीबन 5 मिनट में ये अच्छे से गल जाती हैं, तो इसका पानी मैं ड्रेन कर लेती हूँ। सवैयाँ जो मैंने पानी से ड्रेन कर ली हैं, एक पैन ले लिया, इसमें मैं चीनी शामिल करूँगी। आप अपने हिसाब से चीनी जो है वो शामिल कर लीजिए अपने टेस्ट के मुताबिक से। कुछ लोग ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं, कुछ कम। ये मैंने एक ढक्कन जो है 2 ढक्कन इसमें शामिल कर दिए हैं। इसके साथ ही हम इसमें थोड़ा सा पानी और चंद जो है ना मैं इलायची के दाने वो इसमें शामिल करूँगी। इस तरह से ना इलायची को ये मैं तकरीबन 5 से 6 अदद जो है वह इस तरह इसके दाने शामिल कर दूंगी। इलायची के दाने शामिल कर दिए, फ्लेम को हम ऑन कर लेते हैं। फ्लेम हमने बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं रखनी, ना ही बहुत ज़्यादा लो। थोड़ा सा मैं इसमें पानी शामिल करूंगी जिसमें कि चीनी अच्छे से डिजोल्व हो जाए और साथ में थोड़ा सा ही हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा। ये शामिल करके हम अच्छी तरह से शीरे को पका लेंगे। कलर हमने इसका चेंज नहीं करना, बस चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए, बस इतना सा हमने जो है ना इसका करना है। फिर हम जो इसमें सवैयाँ बॉयल की हुई थी वो हम इसमें शामिल कर देंगे। जैसे ही चीनी जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगी तो फिर हम इसमें ना सवैयाँ शामिल कर देंगे। थोड़ा सा इसका शीरा जो है वो तैयार हो गया। ये देखिए तकरीबन पानी इसका फिक्स हो चुका है, शीरा भी हमारा जो है तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें सवैयाँ जो है वो शामिल कर देती हूँ। और तकरीबन मैं इसको 3 से 4 मिनट दम पे रखूंगी। सवैयाँ जो हमारी तैयार हो जाएंगी, सवैयाँ जो है देखिए हमारी तैयार हो चुकी है, कितनी ज़बरदस्त सी तैयार हुई हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा ऊपर खोया शामिल करूंगी। अगर आपके पास बर्फ़ी है ना तो वो उससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। अब इसमें बर्फ़ी शामिल करें, उसका टेस्ट जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त है। मेरे पास नहीं है खोया है, तो मैं इसमें खोया शामिल कर रही हूँ। इसका ना इससे टेस्ट जो है ना बहुत ही मज़े का आएगा। थोड़े से मैं चंद इसमें ड्राई फ्रूट्स वो शामिल करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह, पास्ता सवैयाँ जो है हमारी तैयार हो चुकी हैं। देखिए कितनी ज़बरदस्त सी तैयार हुई हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।